कैसे हैं आप सभी। वापस से हम लोग आ चुके हैं पढ़ते रहो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में और ये है आपकी मैथमेटिक्स की क्लास एंड आई एम योर मैथ्स मेंटर योगेश सर। तो यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर एक कोट लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर्स एंड डिफीट, यानी कि बिना गलती किए हुए और बिना हारे आप कोई भी चीज को नहीं सीख सकते हैं। इसी तरीके से मैथ्स भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जहां पर आप क्वेश्चंस करते हैं, वहां पर आपसे एरर्स भी होती हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपको ना आए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आप कंटिन्यूअस उस चीज में प्रयास करते रहेंगे तो एक दिन आप जरूर सफल होंगे, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए इसी सीख के साथ हम लोग आज स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि क्लास 10 सीबीएसई का है और उस चैप्टर का नेम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अभी आपके सिलेबस में भी लगभग यही चल रहा होगा, इसीलिए हमने इसी टॉपिक को प्लेस किया हुआ है और धीरे धीरे आपको सारे के सारे चैप्टर्स के फंडामेंटल क्वेश्चन, सारी की सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। देखिए ये क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर का अगर हम लोग वेटेज देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 8-10 मार्क्स का है। अगर 8-10 मार्क्स का है तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट तो होने वाला है। इसका मतलब अब इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हमें जान लेने चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं और इसके कुछ बेसिक से फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम कुछ बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें इसके कंपोनेंट्स एंड एलिमेंट्स को समझना होगा और उसके बाद हमें इसके फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने ये समझना होगा। तो एपी की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आप सभी को पता है, जिसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एपी का इंट्रोडक्शन इजी है कि सब्ट्रैक्शन या एडिशन की ऐसी सीरीज जहां पर कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो आइए कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, फिर फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से। ए के बाद आते हैं कॉमन डिफरेंस में। जब हम लोग कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चा लोग स्मॉल डी से। और ये आता कहां से, ये आता है देखिए, अभी जैसे मान लीजिए आपके पास ए हो गया, ए टू हो गया, ए थ्री हो गया एंड ऐसे ही करके ए एन हो गया। किसी भी टर्म में अगर हम उसके प्रीसीडिंग टर्म को लेस करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज ए टू में ए लेस कर दीजिए तो भी कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, या फिर ए थ्री में ए टू लेस कर दीजिए, ऐसे ही ए फोर माइनस ए थ्री, किसी भी टर्म में अगर हम उसका प्रीसीडिंग टर्म लेस करते हैं तो हमें मिलती है वैल्यू कॉमन डिफरेंस की। देखिए एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात की गई है तो किससे रिप्रेजेंट करना है अपने को, एन से रिप्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद जिसका फॉर्मूला होता है सबसे मेन, आ जाते हैं एंथ टर्म की तरफ। तो nth टर्म को किससे डिनोट करेंगे, nth टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं an से। और इसी an का फॉर्मूला ही अभी आपको इनिशियली फर्स्ट एक्सरसाइज में अप्लाई करना है, जिसके कुछ क्वेश्चंस हमने यहां पर प्लेस किए हुए हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, आइए देखिए यहां पर an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन डी। ये तो सीख लिया आपने, अब इसे अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में भी जान लेते हैं। अब सपोज करिए कि आपको फाइंड करना है 20th टर्म, आपको कोई भी एपीए गिवन कर दी गई और आपको 20th टर्म फाइंड करना है। तो 20th टर्म अगर फाइंड करना है आपको तो n की जगह क्या प्लेस करोगे, 20 प्लेस करोगे। तो यहां पर हम 20 प्लेस करते हैं, a 20 कहां से आएगा, a तो यही रहेगा n माइनस वन, a की जगह 20, n की जगह 20 प्लेस करा है आपने, तो ये कितना हो गया a प्लस 19d। मतलब जो भी टर्म आप फाइंड करना चाहते हो वो कहां से आएगा, a प्लस दैट टर्म माइनस वन डी से। अगर आपको 40th टर्म फाइंड करना है a 40 तो कहां से आएगा, a प्लस 39d से आएगा। ऐसे ही अगर आपको 25th टर्म फाइंड करना है तो कहां से आएगा, 20 a प्लस 24d से आएगा। तो an का फॉर्मूला ये रहा और बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको ये अपने दिमाग में बैठा लेना है कि an के फॉर्मूले में n माइनस वन में वन लेस नंबर हम यूज करते हैं, बस इतनी ही चीज यहां पर आपको समझनी है। और अब हम लोग चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो हमने यहां पर आपके लिए प्लेस किया हुआ है, देखिए बिल्कुल एलिमेंट्री स्टार्ट कर रहे हैं और यहां पर अगर हम देखें तो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। आपको चेक करना है कि -150 इज गिवन एपी का टर्म है या नहीं है। तो एपी क्या है आपके पास, एक बार यहां से एपी के टर्म अगर आपने लिखे तो 11852 एंड सो ऑन। यहां से आपको जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी डियर स्टूडेंट्स, ए की वैल्यू क्या हो गई आपके लिए 11,
डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म 8 - 11, तो कितना आ गया आपके लिए -3। अब आपको फाइंड करना है, चेक करना है कि -150 इसका टर्म है या नहीं है, तो an आप क्या लेट करेंगे -150, और इसी कैलकुलेशन को आप सॉल्व करेंगे। अब n की कंडीशन क्या हो सकती है, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा और हमेशा किस में आएगा, होल नंबर में ही आएगा, ना तो आपका n कभी फ्रैक्शन में आ सकता है और ना ही आपका नंबर ऑफ टर्म्स कभी डेसिमल में आएगा। अगर फ्रैक्शन और डेसिमल में नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में आएगा, तो अब इस चीज का इस क्वेश्चन में क्या यूज है, इस क्वेश्चन में इनका यूज ये है कि यहां से a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, लेकिन n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अगर होल नंबर में आ रही है तो -150 से p का टर्म होगा, अगर नहीं आ रही है, इन द केस फ्रैक्शन या डेसिमल आ रही है, तो -150 इज गिवन ap का टर्म भी नहीं होगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर an का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस n माइनस 1d, जो कि गिवन है -150। अब a की वैल्यू आपके पास है 11, n तो आपको फाइंड करना है, d की वैल्यू क्या है आपके पास -3 इज इक्वल्स टू -150। आगे फर्दर कैलकुलेशंस करेंगे तो 11 ही रहेगा, -3n प्लस 3 is equals to -150। यहां से -3n एक साइड हो गया, 11 प्लस 3 कितना हो गया, ये हो गया आपके लिए 14 is equals to -150। आगे कैलकुलेट कराते हैं, तो ये -3n अभी आप LHS में रोकिए, -150 लिखा है, 14 जाएगा, ये भी माइनस का जाएगा, तो ये हो गया -164। माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू कितनी हो गई 164/3, इसका मतलब है कि n की वैल्यू हो गई 3 5 15, 3 4 12.66, n आ रहा है आपका डेसिमल में, n डेसिमल में है, दैट नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब आप लिख सकते हैं -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP, कि -150 इज गिवन AP का कोई भी टर्म नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको और मिलने वाले हैं, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में हमें थम्स अप का सिंबल जरूर से जरूर भेजें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है। अगर हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिख रहा है, यहां पर आपको मिल रहा है द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8। आपको थर्ड टर्म क्या गिवन है, 4 गिवन है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इस इंफॉर्मेशन को, थर्ड टर्म हो गया आपके लिए 4 एंड नाइन्थ टर्म इज -8, नाइन्थ टर्म आपके लिए क्या हो गया -8 हो गया, देन विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। अब आपको बताना है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 0 होगा, तो सबसे पहले तो हमें एपी फाइंड करनी पड़ेगी, विदाउट फाइंडिंग एपी हम ये नहीं फाइंड कर पाएंगे कि इसका जीरो कौन सा टर्म होगा। तो ए थ्री कहां से आएगा, ए प्लस एन माइनस वन डी के फॉर्मूले से ए प्लस टू डी हो गया 4। ए नाइन कैसे आएगा, ए प्लस 8d से आएगा, दैट इज -8। अब इस वैल्यू को ये समझिए आपके पास एज लीनियर बन गया, अब एज लीनियर बन गया तो सेम कंडीशन पे सॉल्व करा लेते हैं। तो यहां से ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, तो ये a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -8 हमने यहां नोट डाउन कर लिया। अब हमने देखा कि a के जो साइन है वो सेम है, तो हम क्या करा देंगे, सब्ट्रैक्शन करा देंगे, आइए सब्ट्रैक्शन करा देते हैं, तो साइन हो गए ये चेंज, a से a कैंसिलेट हो गया, 2d माइनस 8d माइनस 6d आ गया, 8 4 ये हो गया 12, जो d की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपके लिए -2। d तो आपने फाइंड कर लिया, जब d आपने फाइंड कर लिया तो d की वैल्यू यहां पर प्लेस कर दीजिए, a प्लस 8 इंटू d की वैल्यू -2 इज इक्वल्स टू -8, यहां से a माइनस 16 इज इक्वल्स टू -8, 16 पॉजिटिव जाएगा और a की वैल्यू आपको क्या मिलेगी +8। a मिल गया, d मिल गया, इसका मतलब है अपन ap फाइंड कर सकते हैं। अगर अपन ap फाइंड कर सकते हैं तो क्या आएगा, देखिए ap फाइंड करने के लिए टर्म्स होते हैं a प्लस डी, a प्लस 2d, चलिए एंड सो ऑन, यहीं पर अगर हम वैल्यू प्लेस करें तो a की वैल्यू हो जाएगी 8, a प्लस d की क्या हो जाएगी a प्लस -2, यहां हो जाएगा a प्लस 2, a की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है ना, a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 8 प्लस 2 इंटू -2, यहां पर ये ब्रैकेट का यूज कर लीजिए एंड सो ऑन, ये हो गया 8, 8 माइनस 2 6, 8 माइनस 4 4,
ये एपी मिल गई आपको। अब पूछा गया विच टर्म इज जीरो, तो यहां पर आप दोबारा से कैलकुलेशन कराएंगे और क्या होगी हमारी कैलकुलेशन, हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी स्टूडेंट्स, यहां से ए की वैल्यू क्या मिल रही है 8 मिल रही है, डी की वैल्यू अपने को पता है -2 है, ये ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं। Nth टर्म अपने को पता है कि 0, लेकिन अपने को ये पता करना है कि कौन सा टर्म होगा, n की वैल्यू लानी है। तो फिर से वही an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी, यहीं से आता है आपका an। अब वैल्यूज आपके सामने और आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हो गया 8 प्लस n अपने को फाइंड करना है, d की हो गई -2, an हो गया 0, ये हो गया 8 -2n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, 8 प्लस 2 10, ट्रांसपोज कर देंगे -2n इज इक्वल्स टू -10, n की वैल्यू हो गई 5। इसका मतलब है कि इस AP का जो फिफ्थ टर्म होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, देखिए बेसिक से फंडामेंटल जो आपको सिखाए गए हैं आपने वैसे ही स्टेप बाय स्टेप यहां पर वर्क करा, और अगर स्टेप बाय स्टेप आपने वर्क करा है तो आपको आपका फाइनल आंसर भी क्या होता है, मिल जाता है। सो स्टूडेंट्स ऐसे ही AP के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहां पर हमें क्वेश्चन मिल रहा है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन मिल रहा है हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250, कि 4 के ऐसे कितने मल्टीपल्स होंगे, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स जो 10 एंड 250 के बीच एग्जिस्ट करेंगे। तो 10 एंड 250 के बीच एग्जिस्ट कितने करेंगे, ये तो देखिए 10 के बाद 4 से डिविजन डिविजिबल कौन सा नंबर आएगा, 12, देन आफ्टर 16, देन आफ्टर 20। अब 250 की तरफ से वर्क करेंगे तो 250 तो डिविजिबल नहीं है, 249 भी नहीं है, 248 डिविजिबल है 4 से, तो लास्ट नंबर क्या मिल गया 248। अब अगर यहां से हम इंफॉर्मेशन गैदर करें तो हमें a की वैल्यू क्या मिल जाती है, 12 मिल जाती है, d की वैल्यू 16 माइनस 12 4 मिल जाती है, ये हमारे लिए an हो गया लास्ट टर्म 248। और अपने को फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, कि कितने टर्म्स हैं 10 एंड 250 के बीच जो कि 4 से डिविजिबल हैं। तो चलिए अब इस कैलकुलेशन को जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो यहां से an का फॉर्मूला क्या है अपने पास, a प्लस एन माइनस वन डी, वैल्यूज जब हम यहां पर प्लेस करेंगे तो चलिए प्लेस करते हैं, a की वैल्यू 12 है, n फाइंड करना है, d की वैल्यू है अपने पास 4, an की वैल्यू है 248। कैलकुलेट कराते हैं, ये हो गया 12 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 248, 12 माइनस 4 8 हो गया प्लस 4n इज इक्वल्स टू 248, 8 उधर जाएगा माइनस साइन का, 4n हो गया 240, और सभी को दिखाई दे रहा होगा कि n की वैल्यू कितनी आ गई 60, दैट मीन्स देयर आर 60 नंबर्स और टर्म्स बिटवीन 10 एंड 250 विच आर डिविजिबल बाई 4। डन, तो ये क्वेश्चन भी आपने बिल्कुल क्लियरली सॉल्व कर लिया। बेसिक फंडामेंटल्स जो भी हैं हमारे उन्हें को समझते हुए हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे और अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको कुछ फंडामेंटल्स जानने होंगे और आइए हम लोग वर्क करते हैं उन्हीं फंडामेंटल्स पे कि कौन से फंडामेंटल्स यहाँ पर फॉलो करने हैं हमें। तो यहाँ पर आपको फॉलो करना है अर्थमेटिक मीन। देखिए अब आप कहेंगे ये क्या है अर्थमेटिक मीन, ऊपर तो हमने ये फॉर्मूला यूज नहीं किया है। अगर हमने ऊपर ये फॉर्मूला यूज नहीं किया है तो आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा नया लग रहा हो, लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं। आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, इफ a comma b comma c are in AP, if three terms are in AP, then sum of first and third term divided by 2 is always equal to its second term. ये है आपके लिए अर्थमेटिक मीन, और इस क्वेश्चन में भी हम इसी फंडामेंटल का यूज करने वाले हैं। देखिए कैसे, यहां पर ये चीज तो आपने नोट डाउन कर ली होगी, ये चीज अगर आपने नोट डाउन कर ली है तो आइए चलते हैं। तो यहां पर अब आपके लिए क्या लिखा हुआ है, फॉर वैट व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द कंसेक्यूटिव टर्म्स कंटिन्यूअस होने चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या गिवन है 2k+1, सेकंड टर्म क्या गिवन है 3k+3, एंड थर्ड टर्म क्या गिवन है 5k-1। तो यहां से अपने पास 2k+1 ये हो गया फर्स्ट टर्म, देन 3k+3 ये हो गया सेकेंड टर्म, 5k-1 ये हो गया थर्ड टर्म।
डन। अब यहां पर हमें क्या करना है, कैलकुलेट कराना है। तो यहां पर फर्स्ट एंड थर्ड का सम कराइए, तो ये हो गया 2k+1 प्लस 5k-1 डिवाइडेड बाई 2 इज ऑलवेज इक्वल टू इट्स सेकेंड टर्म, दैट इज 3k+3 अपॉन 1 लेट कर लीजिए, देखिए, या नहीं भी करेंगे तो भी कैंसिलेट हो जाएगा। ये 2k+5k ये हो गया 7k, यहाँ से आ गया 7k/2 करना पड़ेगा आपको 3k+3 अपॉन 1। यहाँ से क्या कराएंगे हम, यहाँ से हम करा लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मिल गया आपको 7k इज इक्वल्स टू 3 2 6k + 3 2 6। 6k लाएंगे तो k की वैल्यू आपको मिल गई, कितनी मिल गई, 6 मिल गई, k की वैल्यू 6 मिल गई और आपको k की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पर a के बारे में सीखा, d के बारे में सीखा, n के बारे में सीखा, an के बारे में सीखा, उसके अलावा अर्थमेटिक मीन के कुछ को ये क्वेश्चन किया हमने। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। देखिए मैं जब छोटी छोटी वीडियोज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो लॉन्ग वीडियोज होती हैं वो आपको देखने में थोड़ा सा बोरियत फील होती है, इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस लेके आऊंगा, लेकिन सारा का सारा टॉपिक कवर करेंगे, सारा का सारा सिलेबस कवर करेंगे। बस एक शर्त है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो हमारे साथ बने रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ढेर सारा प्यार एंड बी विद अस, पढ़ते